ये मैंने नोट्स आपको सेंड कर दिए थे। हाँ जी बच्चों, ये नोट्स आपको मिल गए थे, ये फॉर्मेट आपके पास है। मैक्सिमम जो एडजस्टमेंट आ सकती है कैश फ्लो में, वे सारी एडजस्टमेंट है। ये पहले पेज पे पूरा फॉर्मेट है, नजर आ गया सबको, करवा दिया। अच्छा जी, और ये बच्चों वर्किंग है। किसी ने मुझसे पूछा था कि सर जी रिटेन्ड अर्निंग में मैक्सिमम क्या आ सकता है, तो बच्चों ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, इसके अलावा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और याद है ट्रांसफर फ्रॉम री वैल्यूएशन सरप्लस आ सकता है, और जा क्या सकता है, कैश डिविडेंड और बोनस डिविडेंड, और कुछ पैसे ऐसे होते हैं जो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होते हैं। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का टॉपिक याद करें, रिटेन अर्निंग में से कुछ पैसे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो सकते हैं। ये मैक्सिमम वर्किंग हो सकती है किसी अकाउंट की जो आपको यहाँ पे बना के दी गई है। अच्छा, और यहां से बच्चों क्या निकलेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लेकिन सवाल हमारा शुरू कहां से होता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहां से निकलेगा, टैक्स एक्सपेंस किसी और वर्किंग से निकलेगी, जमा करेंगे तो क्या निकल आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल आएगा। ये मैक्सिमम वर्किंग है जो आपने याद रखनी है, इसकी प्रैक्टिस कर लो अच्छी तरह से घर जाके, कर लोगे। अच्छा अगली बात बच्चों, डिविडेंड पेड। क्या आपको पता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है, नाम सुना है कभी, कंपनी लॉ किसी जमाने में पढ़ा था, अच्छा पास हुआ है नहीं हुआ वो नहीं मैं पूछ रहा, लेकिन मुझे ये बता दे पढ़ा था। आपको पता है पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है, उसमें डिविडेंड डिक्लेयर होते हैं। जब डिविडेंड डिक्लेयर होते हैं तो क्या एंट्री पास होती है, कैश डेबिट, डिविडेंड डेबिट और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। क्या ये एंट्री याद है हर किसी को, जब डिविडेंड डिक्लेयर होते हैं बच्चों तो डिविडेंड क्या होता है, डेबिट होता है, और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट होता है। बच्चों डिविडेंड डेबिट होने का मतलब कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट होता है। डिविडेंड डेबिट होने का मतलब कौन सा अकाउंट है, रिटेन्ड अर्निंग है जो डेबिट होता है, ऐसे ही है। जरा गौर से देखो क्या रिटेन्ड अर्निंग के डेबिट साइड पे कुछ बैलेंस आ रहा है। ये दोनों डिविडेंड, पहला डिविडेंड कौन सा है, कैश वाला, दूसरा डिविडेंड कौन सा है, और बच्चों ये डिक्लेयर की एंट्री हो रही है, किसकी एंट्री हो रही है, डिक्लेयर की एंट्री। अच्छा बच्चों डिक्लेयर हुआ फर्ज करो 15 फरवरी को, आपको पता है कि कितने दिनों के अंदर सीएफओ साहब पैसे देंगे वरना जेल जाएंगे, 45 डेज। याद आ रहा कुछ कुछ, सीएफओ जेल जाता है, कौन जाता है, सीएफओ तो बेचारा ही यार अकाउंटेंट है, उसका कसूर थोड़ी है, सीएफओ तो आप लोग हैं। अब आप लोग जेल जाते अच्छे लगते हैं, लिखकर खाते अच्छे लगते हैं, जेल जाते अच्छे लगते हैं, लिखकर थाने में पड़ेंगे, जेल में नहीं पड़ेंगे। अच्छा जी, तो बच्चों 15 फरवरी को अगर आपने डिक्लेयर किया है तो पेमेंट कितने दिनों के अंदर अंदर करनी है, 45 दिनों के अंदर। तो 15 फरवरी से 45 दिन कब तक बनते हैं, 2 मार्च तक। फर्ज करो 1 मार्च को डिविडेंड जो है वो पे कर दिया है, तो मुझे बताओ डिविडेंड पेड की एंट्री क्या होगी। हाँ जी, डिविडेंड पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट। क्या ये बात समझ आई है बच्चों, पहली एंट्री, माशाल्लाह ये एंट्री बड़ी आसान है, सब लोगों को आती होगी। पहली एंट्री वो है जिसमें आपकी इक्विटी का बैलेंस कम होता है, आपकी रिटेन अर्निंग डेबिट हो रही है ना, रिटेन अर्निंग क्या हो रही है, डेबिट, तो आपकी इक्विटी बेसिकली क्या हो रही है, कम हो रही है, और आपकी लाइबिलिटी में क्या हो रहा है, अभी पैसे नहीं पे किए। पहली एंट्री किस तारीख को हो रही है बच्चों, 15 फरवरी को, और दूसरी एंट्री हो रही है 1 मार्च को, ऐसी है? पहली एंट्री जो 15 फरवरी को होगी उसमें एक तरफ इक्विटी में कमी आएगी
और दूसरी तरफ लायबिलिटी में क्या होगा, इजाफा। और जो दूसरी एंट्री 1 मार्च को होगी उसमें बच्चों लायबिलिटी में क्या आएगी, कमी, सर से कर्जा उतर जाएगा। अगर सर से कर्जा ना उतरा तो जेल की हवा खानी पड़ेगी, ऐसी है ना, तो सर से कर्जा उतारो। और दूसरी तरफ बच्चों हमारे एसेट्स में कमी आएगी। ये बात समझ आती है, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना कि डिविडेंड डिक्लेयर कुछ और होता है, डिविडेंड पे कुछ और होता है। डिविडेंड डिक्लेयर जब करेंगे तो इक्विटी में कमी आएगी, लाइबिलिटी में क्या होगा, इजाफा। और डिविडेंड जब पे करेंगे तो इक्विटी का उससे कोई लेना देना नहीं है। डिविडेंड जब पे करेंगे तो लाइबिलिटी में कमी आएगी और दूसरी तरफ हमारे कैश में कमी आएगी। इक्विटी में कोई चेंज नहीं आना, इक्विटी में चेंज आना है 15 फरवरी को, और लाइबिलिटी में और एसेट में चेंज आना है 1 मार्च को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है कि पे हुआ, नहीं बात समझ रहे, ये बात याद रही। अच्छा जी, तो बच्चों ये डिविडेंड पेबल का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस समझ आ रहा है, ये वो बैलेंस है जो डिक्लेयर किया था लेकिन पे नहीं किया था। और जब बच्चों डिक्लेयर करेंगे, गौर से देखें जरा, गौर से देखें, जब डिक्लेयर करेंगे तो लाइबिलिटी में इजाफा हो रहा है और इक्विटी में कमी हो रही है। ये देख रहे हो बच्चों, ये वाली वैल्यू बेसिकली इससे मैच हो रही है। क्या बच्चों लायबिलिटी में इजाफा हो रहा है, क्या हमारी रिटेन अर्निंग में कमी हो रही है, ये वो एंट्री है जो यहाँ पे पास हो रही है। और ये कौन सी एंट्री है, क्या बच्चों लायबिलिटी में कमी आ रही है और कैश में भी कमी आ रही होगी, ये बात समझ आ गई है, नहीं समझ रहे, क्लियर कर लो बच्चों। ये वाली एंट्री किस तारीख को पास हुई होगी, ये 15 फरवरी को पास हुई होगी, और ये वाली एंट्री कब पास हुई होगी, ये 1 मार्च को पास हुई होगी। इनमें फर्क टाइम का है, इसलिए दो एंट्रियां अलग अलग है, ये पॉइंट याद रहेगा। ये डिविडेंड वाला मसला आज के बाद आपको नहीं होना चाहिए। समटाइम आई कैप क्वेश्चन में बताएगा कि डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, और समटाइम आई कैप आपको क्वेश्चन में बताएगा कि डिविडेंड पे हुआ है। डिक्लेयर की एंट्री कुछ और है, पे की एंट्री कुछ और है, इसको मिक्स कभी भी नहीं करना आपने, क्लियर है जी। अच्छा जी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में अब अच्छा ऊपर सुन लें, इवन इफ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग डिविडेंड पेड डिक्लेयर्ड इन अदर इन्फॉर्मेशन, डू नॉट फॉरगेट टू प्रिपेयर रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट एज इट मे गिव्स कैश डिविडेंड डिक्लेयर्ड एज बैलेंस फिगर ऑन दी डेबिट साइड। वो कहता है फर्ज करो जी डिविडेंड की कोई बात नहीं है सवाल में, तो आप ये हरगिज ना समझना कि रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं। रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट बनाना पड़ सकता है, हो सकता है कैश डिविडेंड या बोनस डिविडेंड वहां से निकला, क्लियर है। अच्छा जी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में बच्चों सबसे ज्यादा जो सवाल आ सकते हैं, आज तक हमने इतना कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अकाउंट नहीं देखा। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हमें मिल जाएगा, ये तो हमें बैलेंस शीट से मिल जाएगा। रीवैल्यूएशन जब अपवर्ड होती है तो गेन होता है बच्चों, गेन होगा तो किस साइड पे आएगा, डेबिट साइड पे। और अगर ये छोड़ दें, ये नहीं आपको पता ये क्या चीज है बच्चों, क्या मजीद एसेट बाय किए जा सकते हैं, वो कैश। और ऐसा भी आपने सवाल देखा था कि अभी एसेट बाय किया था उधार पे किया तो वो नॉन कैश, ऐसी है। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये बच्चों, अगर कोई एसेट यहां से जाएगा तो डिस्पोजल में जाएगा, उसमें अगर कोई उधार पे डिस्पोज किया है या कैश पे किया वो डिस्पोजल में नजर आएगा, एसेट में नजर नहीं आएगा। उधार पे अगर बेचा है तो वो डिस्पोजल अकाउंट में नजर आएगा। रीवैल्यूएशन लॉस हुआ है तो बच्चों क्रेडिट साइड पे आएगा। और अगर कोई एसेट आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ट्रांसफर कर दिया, अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या थी, याद आ रहा कुछ कुछ, वो याद है ट्रांसफर फ्रॉम IS 16 टू IS 40। अगर कोई ऐसा एसेट जो आप इस्तेमाल कर रहे थे आपने खाली कर दिया और उसको रेंट पे चढ़ा दिया, तो क्या वो IS 16 से निकल के IS 40 में जाएगा, तो वो IS 16 में से निकलेगा तो जाएगा ना, उसकी एंट्री याद आ रही है IS 16 क्रेडिट IS 40 डेबिट। तो ये उधर
आपकी प्रॉपर्टी जा रही है, तो बच्चा अगर उधर जा सकती है तो वहां से आ भी सकती है। इस मैक्सिमम लेवल की वर्किंग आज तक हमने कभी की नहीं है, लेकिन बुरे वक्त का कोई पता नहीं होता, ये आपने वर्किंग अच्छी तरह से याद रखनी है। अब ये लाइन जो मैंने क्रॉस की थी, ये क्या चीज है? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ये क्या बुला है? क्या आपने किसी जमाने में बोरिंग कॉस्ट पढ़ी है? आपको पता है एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, फर्ज करो उसको कंस्ट्रक्शन करते करते 1.5 साल हो गए, पहले साल के एंड पे जब अकाउंटिंग ईयर क्लोज होगा तो बिल्डिंग अभी मुकम्मल नहीं हुई, उसके 3 फ्लोर बनाने थे, अभी 2 फ्लोर बने हैं। अगर 2 फ्लोर बने हैं तो उसको बिल्डिंग नहीं कह सकते, ऐसी है ना, उसको हम कहते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, वो उसका अलग अकाउंट शो करेंगे हम। और अगर 2 फ्लोर बने हैं तीसरा नहीं बना तो क्या उन 2 फ्लोर पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा? उन 2 फ्लोर पे डेप्रिसिएशन भी चार्ज जब तक बिल्डिंग मुकम्मल नहीं होगी, जब तक वो अवेलेबल फॉर यूज नहीं होगी, तब तक डेप्रिसिएशन को हाथ भी नहीं लगा। ये बात समझ आई? एक बिल्डिंग को बनाते बनाते 1.5 साल लग गया, तो 1 साल के अंदर अंदर तो डेफिनेटली अकाउंट क्लोज हुए होंगे। उस बिल्डिंग के ऊपर जितना खर्चा आया, जितना ठेकेदार को पैसे पे किए, जितना बोरिंग कॉस्ट में कैपिटलाइज किया, उस सारे का सारा बैलेंस एक अकाउंट में रखेंगे। उस अकाउंट का नाम क्या होगा? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। जब अगले साल वो मुकम्मल हो जाएगी बिल्डिंग, तो क्या वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में ही रखेंगे? नहीं, वो फिर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में से निकल के कहां ट्रांसफर हो जाएगी? वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में ट्रांसफर हो जाएगी, और उस दिन से उसकी डेप्रिसिएशन स्टार्ट हो जाएगी। क्या ये बात समझ लगी है? तो बच्चों ये वो वाली वैल्यू है जो कहां से आ रही है? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में से आ रही है। क्या ये वर्किंग भी आपको 100% समझ आ गई? मैक्सिमम अमाउंट मुझे बताएं जरा सोच समझ के, कितनी कौन कौन सी वैल्यू डेबिट साइड पे आ सकती है? जरा सोचें, रीवैल्यूएशन सरप्लस आ सकता है डेबिट साइड पे, और क्या आ सकता है? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू आ सकती है, जो बिल्डिंग मुकम्मल हो जाएगी वो इधर आ जाएगी। तीसरी वैल्यू IS-40 से कोई प्रॉपर्टी इधर ट्रांसफर हो सकती है, और हम खुद भी प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। हम जो खुद प्रॉपर्टी बाय करेंगे वो 2 तरह की हो सकती है, कौन कौन सी? या तो हमने कैश पे बाय की होगी, या हमने उधार पे बाय की होगी। अगर फर्ज करें मैंने एक ऐसी बाय किया, पैसे नहीं दिए, तो क्या ऐसी डेबिट नहीं होगा? पैसे नहीं दिए तो फिर डेबिट क्या होगा? लायबिलिटी डेबिट होगी। वाह क्या बात है, माशा पादे पादे पादे। अच्छा मैं अपनी अखाना देखा है, और मेरे अखाना सामने गया, पिछले ने क्या है? पिछले नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस। ये मुझे वो 3 इडियट वाला सीन याद आ गया, बोल हो रहा है, शब्द मेरे हैं, पिछले तो है ना, यही कर रहा ना तू, मैं नहीं बोल रहा। अच्छा जी, अच्छा जी, एडिशन कैश और नॉन कैश दोनों हो सकते हैं। अब बच्चों क्रेडिट साइड पे मैक्सिमम क्या क्या जा सकता है? क्या कोई ऐसा डिस्पोज ऑफ हो सकता है? यस हो सकता है। क्या कोई रीवैल्यूएशन लॉस भी हो सकता है? वो भी हो सकता है। ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी हो सकता है। कोई एसेट, याद है हमने एक सवाल किया था, मरी में एक बिल्डिंग थी होंडा वालों की, वो तबाह हो गई थी, हमने अपनी बिल्डिंग खाली करके उनको किराए पे दे दी थी, याद आ रहा? तो हम अपनी बिल्डिंग जब खाली करके किसी और पार्टी को किराए पे दे देंगे, अब वो बिल्डिंग हमारी IS-16 में नजर नहीं आएगी, वो IS-40 में चली जाएगी। तो जब वो IS-40 में चली जाएगी तो बच्चों उसको अपने इस प्रॉपर्टी प्लांट एग्रीमेंट में से निकाल दें। पॉइंट याद आया? अच्छा जी, और क्लोजिंग बैलेंस, ये मैक्सिमम पॉसिबल डिफिकल्टी है जो ICAP में आ सकती है किसी सवाल में। डेफिनेटली सारे सवाल नहीं, सारे पॉइंट एक ही सवाल में नहीं आएंगे, इनमें से कोई एक किसी सवाल में आ जाएगा, कोई दूसरा किसी दूसरे सवाल में आ जाएगा, लेकिन ये मैक्सिमम सिनेरियो हो सकते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वर्किंग का स्केच दिमाग में बन गया कि डेबिट पे क्या आ सकता है, क्रेडिट पे क्या आ सकता है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, नॉन कैश एडिशन का एग्जाम्पल क्या जी? ट्रेड इन अलाउंस एंड क्रेडिट परचेजेस। ट्रेड इन अलाउंस क्या होता है बच्चों? क्या आपको याद है एक्सचेंज ऑफ एसेट? पुराना गद्दा लें, पुराना गद्दा वापस करें, नया गद्दा लें, मल्टीफॉर्म
वो गधा नहीं हुए। ठीक है जी। अच्छा जी, ट्रेड इन अलाउंस क्या है कि भाई हमारे पुराने एसेट की वो वैल्यू जो दूसरी पार्टी ने लगाई है उसको क्या कहते हैं, ट्रेड इन अलाउंस। डेफिनेटली उसमें भी हमें पैसे तो मिलने कोई नहीं है। हमने अपना पुराना एसेट बेचा, हमें कौन सा पैसे मिले, लेकिन नया एसेट लिया, हमने सारे पैसे नहीं दिए। क्या ये पॉइंट समझ आया? तो ये नॉन कैश एलिमेंट होता है। बहरहाल, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड इंपेयरमेंट लॉस, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस हमें कहां से मिल जाएगा? बैलेंस शीट से मिल जाएगा, जो हमें सवाल में देगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यहां पे क्रेडिट साइड पे आता है और इंपेयरमेंट लॉस भी। बच्चों वैसे हम इंपेयरमेंट लॉस का और डेप्रिसिएशन का अलग अलग अकाउंट बनाते हैं, लेकिन कैश फ्लो के पर्पस के लिए हम दोनों को इकट्ठा करना चाहें कर सकते हैं। और बच्चों कोई ऐसा डिस्पोज ऑफ हो तो उसकी डेप्रिसिएशन निकालते होते हैं, याद है? इसमें मैक्सिमम यही लाइन है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का डिस्पोजल, इसकी हमें कुछ वर्किंग कर ली है, कुछ करनी है। बच्चों क्या आपको पता है कॉस्ट यहां पे आती है, लेकिन आपको पता है कि WDV भी आ सकती है। जब WDV आएगी तो क्या चीज नहीं आएगी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं आएगी। ठीक हो गया। अच्छा, और प्रॉफिट किस साइड पे निकलता है बच्चों? डेबिट साइड पे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड पे आएगी, सेल प्राइस या इंश्योरेंस क्लेम। याद है एक सवाल हमने किया था फर्नीचर वाला, एक सवाल कैश फ्लो का किया था जिसमें फर्नीचर सारा जल गया था और वहां से हमें कैश की बजाय इंश्योरेंस क्लेम मिला था, याद है? ये वो वाली बात कर रहा है। ट्रेड इन अलाउंस, ये सवाल भी हमने किया हुआ है। ट्रेड इन अलाउंस का सवाल हमने किया हुआ है। हमने एक्सचेंज ऑफ एसेट में कुछ डिस्पोजल में ट्रेड इन अलाउंस यहां से निकला था और यहां पे ट्रेड इन अलाउंस डेबिट हुआ था, याद आ रहा कुछ कुछ? और लॉस और डिस्पोजल यहाँ पे, डिस्पोजल अकाउंट में मैक्सिमम वर्किंग ये है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एट नेट बुक वैल्यू, ये सारी बातें वही है, सारी सेम टू सेम है। डिस्पोजल भी वो हो गया। इंटरेस्ट पेबल या इंटरेस्ट पेड, ओपनिंग बैलेंस इधर आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस इधर आ जाएगा। यहाँ पे क्या निकलेगा? वो वैल्यू जो एक्सपेंस फॉर द ईयर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती है और यहाँ पे वो बैलेंस निकल आता है जो कैश पेड होता है, ऐसे ही है। बैड डेट्स एक्सपेंस, मैंने आपको कहा इसको इग्नोर कर दें, याद है? इसको फुल टाइम इग्नोर मारें, ऑटोमेटिकली सवाल ठीक हो जाएगा आपका। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये वाले सवाल अभी हमारे सवालों में नहीं आए, बहरहाल ये देखते हैं। ये देख रहे जी, मैक्सिमम पॉसिबल जो सिनेरियो बन सकते हैं तमाम अकाउंट के वो बना के दिए हुए हैं आपको। और हम बच्चों आपको पता है शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम अकाउंट इकट्ठा बनाते हैं, अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बता दिया है कि शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम अलग अलग इकट्ठे बनाने आपने। अच्छा जी, आज बच्चों एक आई कैप का ऐसा सवाल करते हैं जो ना उससे पहले कभी आया और आ सकता है। मैंने ये नहीं कह सकता कि ना आएगा, आ सकता है। नादर कर लिया ना करो, ये कैसे कर लिया आप? इतने इंटेलिजेंट कैसे हो सकते? और नादर हो भी क्या था, ये कैसे हो सकता? चलो जी, आज आपको फिर जरा खड़काते हैं थोड़ा सा। हो गया था ड्रम लिमिटेड, ड्रम। अच्छा जी, हौसला 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 बच्चों, अब जरा सुने। अभी तक हमारे जेन में ये सवाल है, अगर बैलेंस शीट आई, सिर्फ बैलेंस शीट आई तो इनडायरेक्ट मेथड, याद है? अगर प्रॉफिट एंड लॉस आया तो डायरेक्ट मेथड, अगर प्रॉफिट एंड लॉस आया तो डायरेक्ट मेथड, बैलेंस शीट आई तो इनडायरेक्ट मेथड। रट्टा लगा हुआ है हमारा कि जैसी बैलेंस शीट नजर आई ना, इनडायरेक्ट, जैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस नजर आया, डायरेक्ट। आई कैप ने कैश फ्लो दे दी, ना बैलेंस शीट है ना प्रॉफिट एंड लॉस है। आई कैप ने कहा कि जूनियर अकाउंटेंट ने बेड़ा गर्क कर दिया है और जूनियर अकाउंटेंट ने कैश फ्लो बना के टैली भी कर दी। जूनियर अकाउंटेंट का लेवल देखे, जूनियर अकाउंटेंट ने देखे बच्चों, इंक्रीज डिक्रीज निकाला, ओपनिंग कैश उसमें ऐड किया और क्लोजिंग कैश उसने टैली करके दिया, टैली करके दिया उसने।
ठीक हो गया। और सवाल आप सारा चेक कर ले, कोई बैलेंस शीट नहीं है, कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है। ये अपनी नोयत का पहला और पता नहीं आखिरी तो नहीं है, खैर पहला सवाल है जो हिस्ट्री में आया था। और ये कब आया था, हिस्ट्री भी इतनी पुरानी नहीं है, स्प्रिंग 2019 में आया था। कितने नंबर का सवाल आया था जी? 14 नंबर का सवाल आया था। और उसने कहा है इनडायरेक्ट मेथड से, किसे करें? अब बच्चे कह रहे हैं सर इनडायरेक्ट मेथड में तो बैलेंस शीट होती है, और इस सवाल में कोई बैलेंस शीट नहीं है। ठीक है जी, तो सब बच्चों के हाथ पैर फूल गए। हमें तो सर ने कहा था बैलेंस शीट आएगी, हमें क्या पता था कि कैश फ्लो आएगी, ये तो सर को खुद भी नहीं आता होगा जो हमें आ गया, ऐसे ही है। अच्छा जी, तो बच्चों अब आगे सुने। आई कैप आपको थोड़ी सी देने जाएगा इज्जत। वो कह रहे थे जूनियर अकाउंटेंट इनफॉर्म्ड यू, मतलब आप जूनियर अकाउंटेंट नहीं है, आप सीनियर अकाउंटेंट है। ठीक हो गया। अब अगर आपको आई कैप कह रहा है कि आप सीनियर अकाउंटेंट है, इसका मतलब है इसकी कैश फ्लो से आगे जाना है आपने। अगर आपको उसकी कैश फ्लो में कख समझ ना आए तो आप फिर सीनियर नहीं है। आई कैप आपको थोड़ा सा क्या कर रहा है, पंप कर रहा है कि थोड़ी मेहरबानी इस तो अच्छी कैश फ्लो बनानी है, लेकिन आपको तो समझ नहीं आ रही कि शुरू कहां से करें। वो जो बैलेंस शीट में जो शेयर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस उससे अकाउंट ओपन करते तो वो कैसे करें, ना ओपनिंग बैलेंस है ना क्लोजिंग बैलेंस है। अब आगे सुनो, जूनियर अकाउंटेंट ने क्या कार्रवाई डाली है, पहले उसको समझो। जूनियर अकाउंटेंट इनफॉर्म्ड यू डैट ही हैज टेकन द डिफरेंस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ईच बैलेंस शीट आइटम एंड क्लासिफाइड ईच डिफरेंस एज ईदर ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग कैश फ्लोस। उसने कहा सर जी मैंने पिछले साल के बैलेंस इस साल के बैलेंस का डिफरेंस लिया है, जो जो डिफरेंस जहां जहां मुझे समझ आया वो मैंने ऐड किया है, ओपनिंग कैश जमा किया, क्लोजिंग आ गया, मेरी कैश फ्लो टैली है। अब जिस बंदे की कैश फ्लो टैली हो जाए ना, आप उसको कभी नहीं कह सकते गलत। बात समझ आ रही है? अब आपने जूनियर को कन्विंस करना है कि गलत है। जूनियर कहता सर कैसे हो सकता, मैंने पूरी जिंदगी क्लास में यही पढ़ा कैश फ्लो टैली है तो पंगड़े डाल ले। आप कह रहे मेरी टैली नहीं है। ठीक है जी, अब आगे सुने। अच्छा, अब उसने क्या कार्रवाई डाली समझ आ गई है। उसने देखिए बैलेंस शीट टैली होती है ना हमेशा, बैलेंस शीट क्या होती है, टैली। उसने ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस लिया तो वो भी क्या होना था, टैली। सोच लो बैलेंस शीट क्या होती है, टैली। तो उनके ओपनिंग क्लोजिंग डिफरेंस को जमा प्लस माइनस करेंगे तो वो भी टैली होंगे। उसने वहीं से कैश फ्लो टैली करके दिखा दिया हमें। अब सुने, ही फर्दर इन्फॉर्म दैट द स्टेटमेंट इज टाइड अप विद द कैश बैलेंस अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट। वो कहता भाई जान बिल्कुल बैलेंस टैली है, ओपनिंग कैश 450 था, क्लोजिंग कैश 100 आता है, मेरा भी 100 आता है। He has ignored the following information. अब आपको समझ आई है किसने किया? समझ तो खैर आपको नहीं आई, आई कैप आपको बता रहा है कि आपको समझ आई है, आपको नहीं आई। आई कैप आपको बता रहा है कि भाई जान आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन और भी है। ठीक है जी, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट अमाउंटिंग टू दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। अब बच्चो उसने डेप्रिसिएशन को बिल्कुल इग्नोर मारा, ओपनिंग वैल्यू पकड़ी, क्लोजिंग वैल्यू पकड़ी, डिफरेंस ले लिया, लिख दी, और डेप्रिसिएशन उसने बिल्कुल भी नहीं काउंट की। अगर हम ये सवाल करते तो क्या डेप्रिसिएशन को इग्नोर मारते? मेरा ख्याल है हम भी मार ही देते। अच्छा बरल, अब असल मसला ये है, ये जब सवाल आया था ना, जिस जमाने में सवाल आया था, स्प्रिंग 19 में आया था, अगर मैं इसका एग्जामिनर कमेंट खोलू ना तो 90% बच्चों ने ये सवाल किया ही हो ही नहीं सकता था। कैसे हिस्ट्री में पहली दफा सवाल आया जिसका पता ही नहीं है कि ओपनिंग क्लोजिंग है। हिस्ट्री में पहली दफा सवाल आया, इससे पहले कभी इस तरह का सवाल नहीं आया। लेकिन थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करते, जो उन 10% बच्चों ने अकल इस्तेमाल की होगी, थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करते तो ये सवाल आसान तरीन था, डिफरेंट था लेकिन आसान। अब जरा गौर से देखना बच्चों, अब जरा पहले मुझे ये बताओ, क्या बच्चों लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू में इजाफा हुआ है, नहीं हुआ? कैसे यकीन कर लेंगे इजाफा हुआ है? वो तो माइनस में लिखा हुआ है, 2600 तो माइनस में लिखा हुआ है, इजाफा कैसे हुआ है? बच्चों क्या वो अपने मुंह से कह रहा है इंक्रीज हुआ है? हमारी आंखों पे हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन क्या उसने कहा हुआ है कि इंक्रीज हुआ है? अच्छा अब बच्चों अगला सवाल यहां पे मैंने करनी है वर्किंग।
अब आपने मुझे गाइड करना है। बच्चों मुझे नहीं पता, असल मसला यह है कि मुझे नहीं पता कि ओपनिंग बैलेंस में क्या लिखूं और मुझे यह भी नहीं पता कि क्लोजिंग बैलेंस में क्या लिखूं, लेकिन क्या मुझे यह पता है ओपनिंग और क्लोजिंग में डिफरेंस 2600 का होना चाहिए कि नहीं पता? क्लोजिंग ओपनिंग से ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? सोच लो बच्चों, अगर मैं ओपनिंग लिखूं 1,00,000 तो क्लोजिंग क्या लिखूंगा? सोच लो, नहीं बात समझ। अगर मैं ओपनिंग लिखूं 10,000 तो फिर क्लोजिंग क्या लिखूंगा? 12,600। अब मेरे पास ओपनिंग बैलेंस नहीं है, क्लोजिंग भी नहीं है, अपनी तरह से मैं दुनिया में जो मर्जी बैलेंस अज्यूम करूं, बच्चों मेरा सवाल बिल्कुल ठीक है, ये सारी मेरे ऊपर गेम है कि मैं ओपनिंग बैलेंस क्या अज्यूम करता हूं। मैं ओपनिंग बैलेंस जो अज्यूम करूंगा क्लोजिंग उसके हिसाब से निकाल लेंगे, नहीं बात समझ। इन दोनों का डिफरेंस हमेशा याद रखना है, क्या होना चाहिए? 2600 होना चाहिए, बस ये बात याद रखनी है। आप ऊपर 1 करोड़ लिख लें उसके हिसाब से क्लोजिंग आ जाएगा, ऊपर 10 अरब लिख लें उसके हिसाब से क्लोजिंग आ जाएगा। अच्छा तो बच्चों अगर मैं ऊपर 0 लिख लूं तो नीचे 2600 आ जाएगा। ये सबसे आसान काम, वो 1,00,000 या 1 करोड़ लिखने से बेहतर है ऊपर एज्यूम क्या कर लें 0 और नीचे एज्यूम क्या कर लें 2600। हर सूरत में मेरा आंसर सेम आना, जो मर्जी अज्यूम करके देख लें। क्या ये बात समझ आ गई? अच्छा अब बच्चों अगली बात, क्या मुझे ओपनिंग क्लोजिंग मिल गया? मेरे हिसाब से जिस तरीके से मैं वर्किंग करता हूं उसके हिसाब से मुझे सबसे पहला काम मेरा क्या होता है? ओपनिंग क्लोजिंग। तो जिन बच्चों को पता है, जिन्होंने रट्टा लगा लिया कि सर ने कहा था जैसे ही आपको कैश फ्लो का सवाल नजर आए ना ओपनिंग क्लोजिंग की वर्किंग कर लो, और वो सारे यहाँ पे आगे फौत हो गए। ओपनिंग क्या लिखे, क्लोजिंग क्या लिखे, पहला स्टेप ही नहीं हो रहा, आगे कहां जाना है? ठीक हो गया। अच्छा अब बच्चों अगला पॉइंट, क्या मैंने आपको यह बताया था जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में बात आएगी उसकी डबल एंट्री सोचनी? अब इसकी डबल एंट्री सोचे, क्या ये 480, क्या ये 480 डेप्रिसिएशन है और ये 810 क्या है? ये भी डेप्रिसिएशन है। 480 किसकी डेप्रिसिएशन है बच्चों? बिल्डिंग की। तो 480 यहां पे आएगा। अगला सवाल, सर जी 480 यहां पे क्यों आएगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में क्यों नहीं जाएगा? बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है कि सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्यों नहीं बना रहे आप? बच्चों मुझे बताओ यहां पे कहीं पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की बातें हो रही, तो फिर ये जो लैंड एंड बिल्डिंग होगा ये कौन सा होगा? WDV पे होगा कि कॉस्ट पे होगा? ये WDV पे होगा, क्योंकि पूरे सवाल में आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहीं नजर नहीं आ रही। तो जब ये WDV पे होगा तो बच्चों डेप्रिसिएशन फिर कहां जाएगी? इसी अकाउंट में जाएगी, नहीं बात समझे। अच्छा मैंने एक चीज लिखी है, दूसरी कहीं ना कहीं आनी है, 480 कहीं और आना है। अगर आपने ये अभी ना लिखा भूल जाएंगे, जो भूल जाएंगे तो सवाल टैली नहीं। सोचो बच्चों यहां पे तो वर्किंग आनी है, यहां पे लिखेंगे जी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऐसे ही है। और यहां पे आना जी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो कि अभी हमें पता नहीं है, उसमें आनी एडजस्टमेंट्स, और यहां पे क्या आना है 400। सबसे पहले एडजस्टमेंट किसकी आनी है जी? डेप्रिसिएशन की, वो कितनी आनी है 480। जमा होना है कि माइनस होना है? जमा। बच्चों जैसे ही मैंने 480 ऊपर लिखा फौरन सोचो कि इसका दूसरा इंपैक्ट कहां पे आना, कभी गलती नहीं होगी पेपर। सबको समझ आ गया? अच्छा जी, अच्छा जी आगे चलते हैं। बच्चों क्या इक्विपमेंट में भी इजाफा हुआ है? इक्विपमेंट में कितना इजाफा हुआ है बच्चों? 1550। अब आपने मुझे बताना है कि ब्रॉड डाउन क्या रखें, कैरी डाउन क्या रखें?
इक्विपमेंट भी WDV पे होगा। हाँ जी, ब्रॉडाउन क्या लिखें और कैरी डाउन? नहीं बात समझ रहे, क्या इक्विपमेंट में भी डेप्रिसिएशन थी? बच्चों इक्विपमेंट में कितनी डेप्रिसिएशन थी? 810। वो किस साइड पे आएगी डेप्रिसिएशन? अब ये एडजस्टमेंट में से मैंने फिगर उठाई 810, तो मुझे इसका दूसरा इंपैक्ट अभी सोचना होगा। दूसरा इंपैक्ट बच्चों इधर डेप्रिसिएशन आ जाएगा 810 जमा कर। क्लियर? नहीं समझ आई बच्चों? क्या पहली लाइन 100% हमने कवर कर ली है अपने सवाल में? इसका और तो कोई इंपैक्ट नहीं ना आ सकता था, दो जगह पे इंपैक्ट आना था, हमने लिख लिया। क्या आप दूसरी लाइन की तरफ मूव करें? ड्यूरिंग द ईयर एन इक्विपमेंट कॉस्टिंग 560 एंड हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 310। बड़ी गंदी हालत आई है। जब हमारे एसेट अकाउंट WDV पे चल रहे होते हैं, वो हमें धक्के से कॉस्ट बताता है कि ऐसे बच्चे इमीडिएटली साइड पे हो जाएं जिनको कोई खास मसला है। ठीक हो गया जी? वो क्या करेंगे, सबसे पहले कॉस्ट लिखेंगे कि आज मुझे कॉस्ट नजर आ गई है, आज नहीं मैंने इसको छोड़ा, आज तो मैं डिस्पोजल अकाउंट कंप्लीट बना के छोड़ूंगा। वो जो सर पूरे 6 महीने मुझे क्लास में जलील करते रहे ना, तो तुम्हें कॉस्ट नजर ही नहीं आती, आज मुझे नजर आ गई है, आज नहीं मैंने छोड़ना। तो बच्चों फिर आज कॉस्ट को आप शामिल करेंगे तो बेड़ा गर्क आज ही। क्यों? क्योंकि हम अपने एसेट अकाउंट किस बेस पे बना रहे हैं? WDV पे। तो हमें कॉस्ट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? WDV चाहिए। और बुक वैल्यू कितनी है बच्चों? वाज सोल्ड फॉर 440। तो बच्चों पहले मुझे 310 का बताएं क्या करेंगे। 310 की डबल एंट्री बताएं। यहां से 310 निकलेगा, वो कहां जाएगा? डिस्पोजल में जाएगा। नहीं समझ आई? बच्चों 310 यहां पे डेबिट साइड पे आ जाएगा। क्या मुझे बताओ, मैंने डबल एंट्री पास कर लिया, 310 दो दफा लिख लिया। ओके, अब कितने का बेचा? 440 का। 440 मैंने यहां पे क्रेडिट साइड पे लिखा। क्या ये 440 किसी और जगह पे आना चाहिए? ये 440 कहां पे आना चाहिए बच्चों? ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए कुछ जगह छोड़ देंगे थोड़ी सी। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज लिखेंगे। क्या लिखेंगे जी? प्रोसीड्स फ्रॉम दो लाइनें छोड़नी है, सेल ऑफ इक्विपमेंट। कितने पैसे मिले बच्चों? 440 के 840, 440 पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं? आ रहे हैं, प्लस में शो करेंगे। ये भी क्लियर हो गया सबको? अभी हौसला कर ले बच्चों। पॉइंट नंबर 2 में जो जो हो सकता था कर लिया। ओ वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, गेन, गेन कितना आया? 110 किसने का? 130। बच्चों ये गेन क्या प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऑलरेडी ऐड हुआ पड़ा है? हमने क्या करना है? गेन ऑन डिस्पोजल कितना? 100 माइनस करेंगे। ये माइनस क्यों करेंगे? पहले ऐड हुआ पड़ा। क्या डिस्पोजल अकाउंट कंप्लीट हो गया सबका? आगे चले जी बच्चों, क्या आपको पता है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को हम इग्नोर मारते हैं? ये तो गया,
या मुफ्त में ये पॉइंट हो गया और ठीक है। लेकिन बच्चों अब याद रखना, हमने देखना ये है कि ऊपर उसने जो डेटर लिए हैं वो नेट हैं कि ग्रॉस हैं, नेट है। अगर तो नेट लिए तो नेट हमने भी नेट ही लेने, अगर तो वो ग्रॉस डेटर का डिफरेंस लेता तो फिर हमें प्रोविजन को काउंट फॉर करना पड़ता। लेकिन लकीली जूनियर अकाउंटेंट और हमारी मेंटेलिटी क्या करती है, मैच करती है, लगता है एक ही टीचर से बड़ा। तो क्या लिखा हुआ जी, नेट ट्रेड रिसीवेबल, उसने भी नेट का डिफरेंस लिया, हमने भी नेट का डिफरेंस लेना। अच्छा जी आगे चलते हैं, ये बात तो ठीक हो गई है। अब पॉइंट नंबर फोर, डिविडेंड अमाउंटिंग टू 7 लाख वाज पेड, इस पे फोकस करो बच्चों। पेड है कि डिक्लेयर्ड है, पेड है, तो गलती ना हो, सो समय के जवाब देना। ये वो वाली एंट्री है जो 1 मार्च को होगी या 15 फरवरी को होगी, या 1 मार्च वाली एंट्री, जेल होने से एक दिन पहले उसने डिविडेंड दे दिया। डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, डिविडेंड पेबल डेबिट, बच्चों ये वाली एंट्री बता रहा है कितने से, 700 से, 700 रुपया ये डेबिट और 700 रुपया क्रेडिट। चलो जी अक्का मैं अपने ले लेते हैं, वाह जी वाह, मतलब तेरा फोकस ये नहीं कि महीने होते हुए रुपया दे नहीं है, बड़ी परवाह है तेरे सीईओ साहब ने कि वो जेल चला गया तो मेनू तनखा कौन देगा है। अच्छा जी अब आगे चलते हैं जी। अच्छा बच्चों ये कैश जा रहा है, ये 700 रुपया आपको पता है कहीं ना कहीं पे कैश फ्लो में आएगा, कौन सी एक्टिविटी में आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पेमेंट ऑफ डिविडेंड कितने से आएगा बच्चों, 700 से। पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं, जा रहे हैं, माइनस में लिखेंगे। बच्चों मैंने 700 को एक जगह पे लिखा है, दूसरी जगह रहती है, अगर ये आपने मिस कर दी सवाल में मसला आएगा। बच्चों क्या ये रिटेन अर्निंग में जाएगा, किसने कहा यस, देखा बेड़ा गर्क करता ना फट गए। और रिटेन अर्निंग वाली एंट्री 45 दिन पहले हुई है, खोते हो सारे पी के बैठे हुए और नहीं बात समझ रही, और पेमेंट किसी और दिन होती है, डिक्लेरेशन किसी और दिन होती है, यही तो स्यापा में बार बार समझा रहा हूं, नहीं पल्ले पड़ रहा। क्या रिटेन अर्निंग 45 दिन पहले डेबिट हो चुकी होगी और जिस दिन पेमेंट करनी है उस दिन रिटेन अर्निंग को कुछ नहीं होना, उस दिन क्या होना है, लाइबिलिटी में कमी आनी, नहीं समझ रही। ये 700 रुपया कहां जाएगा, डिविडेंड पेएबल में जाएगा और इससे क्या होगा, हमारी लाइबिलिटी कम होगी, इक्विटी कम नहीं होगी, नहीं बात समझ रही। अब बच्चों सवाल में देखते हैं क्या डिविडेंड पेएबल की कोई लाइन उसने लिखी हुई है, अगर तो लिखी हुई तो सोचेंगे, नहीं लिखी हुई तो कुछ और करेंगे फिर। नजर आ गया क्या डिविडेंड पेएबल का कोई अकाउंट होगा, बैलेंस शीट में होगा जिसका उसने डिफरेंस लिया होगा, तो इसका मतलब है डिविडेंड पेएबल का अकाउंट बनाना पड़ेगा, नहीं बात समझ रही। डिविडेंड पेएबल क्या होता है, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, रिवैल्यूएशन, ठीक हो गया। अच्छा जी अब बच्चों सोच समय के मेरे जवाब देना, क्या ये इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ, 200 रुपए का इजाफा हुआ है तो मुझे बताओ ओपनिंग क्या रखें, 0, क्लोजिंग क्या होगा, 200, क्लियर सबको, ये बात समझ आई।
बच्चों ये 700 रुपया इस अकाउंट में डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? डेबिट होगा। क्या ये वो पैसे हैं जो पे किए हैं? अब मुझे सोच समझ के जवाब देना, क्या 700 के दो इंपैक्ट मैं रिकॉर्ड कर चुका हूं? एक यहाँ पे डेबिट कर दिया है और दूसरा यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। कैसे पता लगा कि क्रेडिट हुआ? कैश कम हो रहा है इसलिए माइनस में है। ये बात समझ आ रही? डेबिट क्रेडिट पूरा है? अच्छा बच्चों, अब सोच समय के जवाब देना कि यहां से कुछ निकलेगा, यहां से क्या निकलेगा? कितना? ये 900 रुपया निकलेगा। क्या मतलब है? ये वो डिविडेंड है जो डिक्लेयर किया था। क्या ये बात समझ आई है? लेकिन बच्चों लाइबिलिटी अकाउंट में 900 रुपया क्रेडिट हो रहा है, ये एंट्री समझ आ रही है? तो फिर ये 900 रुपया दूसरी कौन सी जगह पे जाएगा? ये 900 रुपया रिटेनर नहीं में जाएगा। ये असल मसला है। आप लोग समझ रहे हैं कि 700 रुपया रिटेनर नहीं में जाएगा? 700 रुपया रिटेनर नहीं में नहीं जाएगा। नहीं बात है समझी? अब बच्चों इसका मतलब है रिटेनर अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। बच्चों क्या रिटेन अर्निंग का भी उसने इंक्रीज डिक्रीज निकाला हुआ है? 1360 इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज? इंक्रीज। तो बच्चों मुझे ओपनिंग बैलेंस बताएं फिर। जीरो। क्लोजिंग बैलेंस 1360। अब डिविडेंड जो डिक्लेयर किया है वो रिटेन अर्निंग में डेबिट साइड पे आएगा। कितना? 900। ये समझ नहीं बात? जो बच्चे यहां पे 700 लिख देंगे सवाल वहां पे बेड़ा गर्क हो जाएगा। नहीं समझ नहीं? अच्छा जी, तो अभी हौसला हौसला, उसमें कुछ और चीजें नहीं आ सकती। पहले मुझे ये बताओ, ये पॉइंट नंबर 400% समझ आ गया? इसका जो जो कुछ हो सकता था वो हमने कर लिया है। और मुझे ये बताओ क्या ये 900 की डबल एंट्री पास हो गई है? क्या ये 700 की भी डबल एंट्री पास हो गई है? क्या ऐसी कोई चीज जिसकी मैंने एक साइड पे एंट्री रिकॉर्ड की और दूसरी भूल गया हूं, ऐसी कोई लगती है वैल्यू आपको? आगे चलते हैं, अगली लाइन पढ़ें। इंटरेस्ट एंड टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर अमाउंटिंग टू 378 एंड 650 रिस्पेक्टिवली। बच्चों क्या ये वो खर्चे हैं जो बनते हैं या वो खर्चे हैं जो पे कर दिए? क्या ये वो खर्चे हैं जो प्रॉफिट लॉस में गए होंगे और पेमेंट कुछ और होगी? ऐसी है ना पॉइंट? तो बच्चों इंटरेस्ट ये 378, क्या ये वो खर्चा है जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से माइनस हुआ पड़ा है? क्या इस 378 को यहां पे जमा होना चाहिए और इसके साथ क्या लिखना चाहिए? क्लियर है? नहीं समझ रही बात? अच्छा, 378 को बच्चों मैंने एक जगह पे लिखा है, अगर मैं दूसरी जगह पे भूल गया सवाल में मसला आएगा। क्या इंटरेस्ट का कोई अकाउंट सवाल में है? इंक्रीज इन इंटरेस्ट अक्रूड। अक्रूड का क्या मतलब होता है बच्चों? इंटरेस्ट पेएबल। क्या मुझे यहां पे इंटरेस्ट पेएबल का भी अकाउंट बनाना पड़ेगा? बच्चों इंक्रीज आया है कि डिक्रीज? इंक्रीज आया है 50 का। तो बच्चों ओपनिंग क्या रखेंगे? जीरो। क्लोजिंग क्या रखेंगे? 50। ठीक हो गया। और ये 378 इस अकाउंट में डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है? सोच लो, इंटरेस्ट एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस में क्या होता है? डेबिट। तो किसी और अकाउंट में क्या होगा? क्रेडिट होगा। नहीं बात समझ रही? बच्चों ये यहां पे डेबिट हो रहा है। क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। नहीं समझ आई? प्रॉफिट लॉस में इंटरेस्ट जब जाता है तो प्रॉफिट लॉस को डेबिट करता है कि क्रेडिट करता है? डेबिट करता है। तो किसी और अकाउंट को क्या करेगा? क्रेडिट करेगा ना।
नहीं बात सुनाई तो बच्चों यहां से कुछ निकल आएगा, 328 कैश फ्लो में कहीं पे जाना चाहिए बच्चों, यहां पे कहीं पे कैश नहीं इंटरेस्ट पेड के नाम से लाइन आनी है, तीन सौ 28 बच्चों देखो 378 जमा किया है और 328 माइनस किया है, ये क्यों किया बताएं जरा, 378 जमा क्यों किया, 328 माइनस क्यों किया, 378 बनता था और वो अनफॉर्चुनेटली मेरे प्रॉफिट में से ऊपर कहीं पे क्या हुआ पड़ा था, माइनस हुआ पड़ा था, वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स से ऊपर कहीं पे क्या हुआ पड़ा था, माइनस, मैंने उसको क्या कर दिया जमा, इसलिए जमा कर दिया क्योंकि हकीकत में पेमेंट 378 की नहीं है, 328 की है, तो इसलिए 378 माइनस ही रहता तो उससे हमारा सवाल ठीक नहीं होना, मैंने उस 378 को रिवर्स किया और 328 को माइनस किया क्योंकि एक्चुअल में कैश उतना निकला, नहीं बात समझ आई हों, समझ आई, तीन दिन बाद है, अच्छा जी 378 का तो जनाब किस्सा खत्म हो गया, क्या दो इंपैक्ट मैंने 378 के रिकॉर्ड कर लिए कि नहीं किए, अब 650 का सोचो, इसका जुगाड़ आपने मुझे बताना, क्या बच्चों 650 भी मेरे इस प्रॉफिट में जमा होगा, क्यों नहीं होगा, बिफोर टैक्स प्रॉफिट है, टैक्स तो कभी माइनस हुआ ही नहीं था, टैक्स माइनस होने से पहले वाला प्रॉफिट उठा लिया है, तो टैक्स जब माइनस ही नहीं हुआ तो जमा भी नहीं हो सकता, ये बात सुन रही, तो 650 यहां पे तो नहीं आना, अच्छा 650 कहां पे जाना बच्चों, क्या यहां पे कहीं पे टैक्स की लाइन नजर आ रही है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ध्यान से देख लो, टैक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज, अब सोच समझ के आप पता चल जाएगा आपको माशाल्लाह कि अब ओपनिंग क्लोजिंग क्या रखें, ये आपने सोच समझ के जवाब देना है, ओपनिंग जीरो, अब बच्चों ओपनिंग 60 रखेंगे और क्लोजिंग जीरो रखेंगे, समझ आइए, वेरी गुड शाबाश, नहीं कुछ ऐसे लेजर भी होते हैं, ओपनिंग जीरो क्लोजिंग माइनस 60, सर टैक्स माइनस में भी जा सकता है, क्या हो गया, ठीक है जी, यहां तक की बात समझ आई, अच्छा जी तो 60, तो मुझे बताएं जी ये 650 का क्या करेंगे बच्चों, क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट हुआ होगा, तो यहां पे क्या होना चाहिए, बोलो बोलो बोलो, कितने से, 650 से, ऐसी है, और अगली बात अगली बात अगली बात, इस 650 का दूसरा इंपैक्ट सोचो बच्चों, 650 प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होगा, माइनस होगा, ऐसे ही ना, इस सवाल में उसने बताया नहीं लेकिन हमें पता होना चाहिए, इसके दो इंपैक्ट, पहला इंपैक्ट क्या है, टैक्स पेबल में क्रेडिट साइड पे आएगा, दूसरा इंपैक्ट क्या है, इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट बिफोर टैक्स के नीचे माइनस होगा, ऊपर क्या हो रहा है क्रेडिट, नीचे क्या हो रहा है डेबिट, नहीं बात समझ, अब किसी का सवाल ये तो नहीं है कि सर यहां पे क्यों नहीं लिखा, यहां पे नहीं आना, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स, हम कौन सी फिगर उठा के बैठे हुए हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाली फिगर उठाइए, टैक्स कभी माइनस होने नहीं दिया था, ठीक हो गया, अच्छा जी बरक, और बच्चों यहां पे टैक्स पेड आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कैश की फिगर यहां से क्या निकलेगी, 710, क्या बच्चों 710 के दोनों इंपैक्ट मैंने नोट कर लिए हैं,
क्या 710 बच्चों यहां पे क्रेडिट हो रहा है और यहां पे डेबिट हो रहा है, गौर से देख लो। 650 को मैंने दो जगह पे लिखा कि नहीं लिखा, वो टैक्स पेबल में भी लिखा है और यहां पे भी लिखा है प्रॉफिट लॉस में, और 710 को भी मैंने दो जगह पे लिखा है, टैक्स पेबल में भी लिखा है डेबिट साइड पे और नीचे यहां पे इंटरेस्ट पेड के नीचे टैक्स पेड में भी यहां पे मैंने लिखा माइनस में। माइनस में क्यों लिखा, क्योंकि कैश में कमी आ रहा, याद होगी बात समझ आगे बच्चों। क्या ये पॉइंट नंबर 500% जो जो हो सकता था कर लिया? आखिरी पॉइंट रह गया, सवाल खत्म हो जाएगा। ट्रेड एंड अदर पेबल, ये बात याद रखनी है बच्चों, यहां से एक बात समझ आनी चाहिए। अगर लिखा हो ना ट्रेड रिसीवेबल तो उस पर यकीन किया जा सकता है कि ये डेटर है, क्या है, लेकिन अगर आई कैप लिख के देना ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल तो उसमें कोई गड़बड़ है, वो सिर्फ डेटर नहीं है, उसमें कुछ और भी रिसीवेबल है जो जमा हुए पड़े, वो किसी को मतलब हमने प्लांट बेचा था उससे पैसे नहीं लिए थे तो वो उसमें पड़े हुए। और अगर इसी तरह से ट्रेड पेबल लिखा हो यकीन किया जा सकता है कि ये सिर्फ क्रेडिटर है, लेकिन अगर लिखा हो ट्रेड एंड अदर पेबल तो ये सिर्फ क्रेडिटर नहीं है, गड़बड़ है, इसमें कुछ और पेबल भी शामिल हो सकते हैं, ये बात समझ आई है। अब आगे पढ़ें। ट्रेड एंड अदर पेबल एज 31 December 2018 इंक्लूडेड 950 फॉर परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। क्या बच्चों हमने लैंड एंड बिल्डिंग बाय किया और उसके पैसे दिए? सोच लो, आखिरी लाइन पढ़ लो बच्चों, आखिरी लाइन सबसे मुश्किल है। यहां से ये बात तो समझ आनी चाहिए कि हमने कोई लैंड एंड बिल्डिंग बाय किया है लेकिन उसके पैसे नहीं दिए। कितना, कितने का बाय किया है? 950 का, और पैसे कितने का नहीं दिए? 950 की डेफिनेटली। अच्छा तो बच्चों आगे देखते हैं, यहाँ पे सवाल में क्या ट्रेड पेबल में इजाफा हो रहा है, कैसे पता लगा इजाफा हो रहा है, लिखा हुआ इंक्रीज। अब बच्चों क्या ये सिर्फ ट्रेड पेबल है? अगर ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेड पेबल नहीं है, इसमें गड़बड़ है, ये दो चीजों का मिक्सचर, ट्रेड भी है और अदर भी है, इनको अलहदा करना पड़ेगा। मैं अच्छा जी बच्चों टोटल बैलेंस उसने हमें बताया है कि टोटल बैलेंस में जरा गौर से देखना, क्या 600 से इजाफा हुआ है? तो बच्चों इसका मतलब ये है कि ओपनिंग अज्यूम करेंगे 0 और क्लोजिंग अज्यूम करेंगे 600, नहीं बात समझ रहे? अब ये टोटल है, इसमें अदर भी होंगे और इसमें ट्रेड वाले भी होंगे, नहीं बात समझ रही? क्लियर। अब अगला पॉइंट बच्चों, वो कहता है अदर पेबल कितने हैं? 950 के, तो 950 क्लोजिंग में तो होंगे, ओपनिंग में नहीं होंगे, सोच लो, नहीं बात समझ आई? तो बच्चों मुझे फिर बताओ ट्रेड पेबल का ओपनिंग क्लोजिंग कितना होगा? ट्रेड पेबल का ओपनिंग क्लोजिंग क्या होगा? 0 और क्लोजिंग क्या होगा? 350, लेकिन किसमें? माइनस में, नहीं बात समझे? अब माइनस वाली बात तो कभी हजम नहीं होगी ऐसी है। तो बच्चों पॉइंट ये है, अब जरा ध्यान से, क्या हकीकत में ट्रेड पेबल डिक्रीज हो रहे हैं और अदर पेबल इंक्रीज हो रहे हैं और नेट इंपैक्ट इंक्रीज का आ रहा है? और जब डिक्रीज होते हैं तो बच्चों हम क्या करते हैं, हम क्लोजिंग को 0 रखते हैं और ओपनिंग को 350 करते हैं, ऐसी है? नहीं समझ नहीं। हमारा आंसर ऐसी है हकीकत में मेरे, हमारे देखें सवाल में उसने कहा है इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, हालांकि हकीकत में इंक्रीज नहीं हो रहे, डिक्रीज हो रहे हैं,
और जब कोई वैल्यू डिक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं भला, ओपनिंग को क्या करते हैं, ओपनिंग को जीरो रखते हैं? ओपनिंग को तो जीरो नहीं रखते, ओपनिंग को क्या रखते हैं, ऐसे करते हैं, अब जरा ध्यान तसल्ली से अब जरा सुनो, अब मेरा टोटल क्या आ जाएगा और यहां पे टोटल क्या आ जाएगा बच्चों, क्या ओवरऑल मेरा अभी भी डिफरेंस 600 का ही है? टोटल मेरा टोटल डिफरेंस 600 का ही है और इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा? लेकिन बच्चों मेरे ट्रेड पेबल डिक्रीज हो रहे हैं और अदर पेबल मेरे इंक्रीज हो रहे हैं, नहीं समझ रही? ऊपर से फ्लाई थोड़ी थोड़ी, तीन चार टम्परों में पूरी पूरी, हाँ जी, और नहीं समझ आई? अब जरा लॉजिकली सोचो, क्या बच्चों ट्रेड पेबल मेरे हकीकत में 350 से कम हो रहे हैं? क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं, और मेरे अदर पेबल 950 रुपए से बढ़ रहे हैं, तो नेट 600 से बढ़ रहे हैं। यही बात एग्जामिनर ने सवाल में बताई है, इंक्रीज इन ट्रेड एंड अदर पेबल 600। ये 600 कैसे आए, समझ आई बात? हकीकत में मेरे ट्रेड बता दिया कि आखिरी पॉइंट, चलो मारो गोली वापस आ जाओ, एक मिनट आ रो, हमारा आंसर क्या आ रहा था वो बताएं जरा, नहीं समझ आई छोड़ दो वापस आ जाओ। बच्चों क्या ये समझ आती है? नहीं आती। ये 950 है, ये क्या है जीरो, ये जीरो है और ये -350 है, ये समझ आता है? छोड़ दो इसको, बाकी सब भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ। अब मुझे बस आपने ये बताना है, ठीक है जी, ठीक है, अच्छा जी बच्चों वापस आ जाओ, अदर पेबल का अकाउंट बना लेते हैं, ओपनिंग कोई नहीं, क्लोजिंग 950, ये बात समझ आती? नहीं समझ आई? अदर, अदर का ओपनिंग क्या है, जीरो, क्लोजिंग क्या है, और ये तो समझ आता है, इसी को तो लगा किया, ये अकाउंट बना लिया बच्चों, यहां से जो डिफरेंस आएगा वो लैंड एंड बिल्डिंग में जाएगा। सोच लो ये 950 बेसिकली क्रेडिट हो रहा है, तो लैंड एंड बिल्डिंग कहां गया, 950 से क्या होगा, अदर पेबल, क्लियर? नहीं बात हो गई? ये डबल एंट्री क्लियर है 950 की? अच्छा बच्चों मैंने सारी लाइनें जो जो थी सारी पढ़ ली, मैंने कोई छोड़ी तो नहीं लाइन, अब मुझे सवाल देखने की जरूरत नहीं है, मुझे अपनी वर्किंग को कंप्लीट करने की जरूरत है। बच्चों क्या मैं लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट अब क्लोज कर सकता हूं, क्योंकि इसमें जो कुछ भी आना था वो आ चुका है, अब लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट क्लोज करें, मुझे बताएं कि क्या आएगा। 2-1, ये क्या चीज है, ये है कैश, मतलब मैंने लैंड एंड बिल्डिंग परचेज ज्यादा की थी, कुछ का कैश पे किया कुछ का नहीं किया, ऐसी है? 2130 समझ नहीं आया मेरे ख्याल, ये 2130 मैंने एक जगह पे लिखा है, इसकी कोई दूसरी जगह भी है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बच्चों परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग आएगा कितने से, 2130 माइनस, क्लियर हो गया, 2130। नहीं समझ आया? क्या बच्चों मेरा लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट क्लोज है,
अब इक्विपमेंट अकाउंट क्लोज कर लें 26। ये क्या चीज है, क्या ये भी इक्विपमेंट बाय किया होगा? ये मैंने डेबिट लिख दिया है, क्रेडिट कहां पे आएगा? 26 परचेज ऑफ इक्विपमेंट 2670 माइनस। दूसरा अकाउंट क्लोज, ये अकाउंट भी क्लोज हो गया बच्चों। क्या डिविडेंड पेबल अकाउंट भी क्लोज है? क्या डिस्पोजल अकाउंट भी क्लोज है? क्या इंटरेस्ट पेबल भी क्लोज है? क्या रिटेन अर्निंग क्लोज करना बाकी रहता है? हाँ जी, 22। ये क्या चीज है, बिफोर टैक्स के आफ्टर टैक्स? आफ्टर टैक्स 2260। बच्चों क्या 2260 में यहां पे लिख दूं? क्यों? 2260 यहां पे आएगा ये बता दें? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो आफ्टर टैक्स है और यहां पे बिफोर टैक्स चाहिए। बच्चों बेसिकली ये 2260 यहां पे आना चाहिए, 1610। कैसे कमाल के लोग हैं कसम से। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम है, फिर टैक्स दिया तो प्रॉफिट बढ़ गया, वाह है कि नहीं लेजेंड? सारा सवाल बड़ी बारीकी से किया और यहां पे आके जूनियर ने हमारी तरफ देखना है कि सर ये कैसे किया आपने, ये बताएं। उसने कहा ना मेरी तो फिर भी लॉजिक है, ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस लिया है, आपकी कौन सी लॉजिक है? ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम था, अब जरा देखें प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या था, कम था, आपने टैक्स दिया और प्रॉफिट में बरकत बढ़ गई, इसलिए टैक्स देना चाहिए। टैक्स देने से पैसे बढ़ते हैं, हैं? तो जो बातें ज़कात वाली है वो टैक्स पे अप्लाई कर दिया आपने, शाबाश शाबाश, ऐसे लेजेंड चाहिए। हाँ जी क्या आएगा जी? 2910। समझ आई है जी? तो यहां पे क्या लिखेंगे बच्चों? 2910। बच्चों ये टोटल निकाला जा सकता है, टोटल निकाल लें, शाबाश। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। हाँ जी गलत ना कर देना यार, 4448। अच्छा आपको पता है बच्चों यहां पे आता है चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, किसमें इंक्रीज डिक्रीज आना है? स्टॉक में, डेटर में और क्रेडिटर में, ऐसी है। और बच्चों बहुत सारी लाइनों पे हमने लाइनें लगाई हुई हैं, कुछ पे नहीं लगाई हुई। किन किन पे नहीं लगाई? क्या आपको पता है इस पे नहीं लगाई थी? ये उसने जो काम किया है एज इट इज, हमने भी यही करना था। क्या डेटर में इजाफा हो रहा है कि कमी आ रही है? तो 100 रुपया प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे? और बोलो तो सही, उसने भी माइनस किया है, हम भी माइनस ही करेंगे। इंक्रीज इन नेट डेटर्स, ये उसने हमारे लिए आसानी पैदा की है, इसकी 3 लाइनों में एज इट इज उठा लेंगे, ठीक है जी। लेकिन हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम आएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ज्यादा आएगा, है? हाँ जी, डिक्रीज इन इन्वेंट्री, क्या उसने सही लिखा हुआ है? जब इन्वेंट्री कम होगी तो बैलेंस पॉजिटिव होगा, तो डिक्रीज इन इन्वेंट्री कितने से? 400 से। अच्छा जी
उसके बाद बच्चों अब कौन से लेने हैं जी? ट्रेड पेबल, ये वाले नहीं लेने हमने क्योंकि ये टोटल पेबल में चेंज है, हमने लेने ट्रेड पेबल में चेंज। अब सोच समय के जवाब, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा अकल इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी। बच्चों ओपनिंग जीरो था, क्लोजिंग माइनस 350 है, मुझे सोच समय के जवाब देना, डेटर में क्रेडिटर में इजाफा हुआ है कि कमी हुई? जीरो से माइनस में गए तो कमी हुई है, कितनी कमी हुई है? 350 की कमी हुई है। तो 350 की लाइबिलिटी में कमी हो, पैसे आते हैं कि जाते हैं? पैसे जाते हैं, तो डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स कितने हैं जी? 350। पैसे जा रहे हैं कि आ रहे हैं? तो बच्चों यहां पे निकल आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस फोर थ्री नाइन एट। देख लो गड़बड़ ना हो, सारा सवाल प्लस माइनस पे डिपेंड कर रहा है, बड़ी मुश्किल से वर्किंग की है हमने। हाँ जी, कैश इनफ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, हाँ जी 3360, क्लियर है जी? और बच्चों ये भी टोटल कर लें, कैश आउटफ्लो इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हाँ जी 4360 माइनस में, माइनस में। और ओहो अल्लाह के बंदो, एक अकाउंट तो ओह, चलो कोई नहीं कोई नहीं। बच्चों शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम में सवाल देखें, पॉइंट ये है, क्या शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम की उसने सवाल में कोई बात बताई? नहीं बताई। लॉन्ग टर्म लोन की पेमेंट की कोई बात बताई? नहीं बताई। तो इसका मतलब यह हुआ कि ड्यूरिंग द ईयर जो शेयर कैपिटल में इजाफा हुआ है, यही हुआ होगा। तो इस शेयर कैपिटल में इजाफा कितना हुआ है? 2350। क्या यही लिख देंगे? नहीं समझ आई, क्या लिखेंगे? इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल कितने से? बच्चों इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है? क्या ड्यूरिंग द ईयर हमने शेयर कैपिटल इश्यू किया होगा? 2350 ऐसी है। और बच्चों लोन डिक्रीज इन लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन में कमी कब आती है? जब शेयर इशू करते हैं, डेप्रिसिएशन होती है, बैड डेट्स, हमने बैंक के पैसे मार लिए। वेरी गुड, डिक्रीज इन लॉन्ग टर्म लोन का मतलब यह है बच्चों कि पेमेंट की होगी, पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन कितनी? 1000 की पेमेंट की होगी। हाँ जी, कैश आउटफ्लो पॉजिटिव या नेगेटिव? कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 650। अब बच्चों तीन वैल्यूज हैं आपके पास, 3360, 4360 और 650। 3360 जमा का, 650 जमा का, 4360 माइनस का, मैं कह सकता हूं नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज 350 माइनस में। इसमें क्या करेंगे? ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बच्चों क्या ओपनिंग कैश 450 है और क्लोजिंग कैश होना चाहिए 100, तो क्या उसने भी 100 ही बताया है? उसको कहेंगे अन्या एंज नहीं, एंज करना सर, ठीक है? लेकिन एक दफा वो हमारे ऊपर भी हंसेगा
कि सर गल तो सही कह रहे हो लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स जरा थोड़ा कट आया ना ओहो नेक्स्ट लेवल ठीक हो गया जी। अरे सवाल कर लोगे घर जाके इसी को घर जाके दोबारा रिवाइज करना है? एक या दो सवाल और करेंगे बस और क्लियर है सबको ओके जी बच्चों थैंक यू अल्लाह हाफिज़।